यूक्रेन के साथ युद्ध में जब पुतिन के जंगी हवाई जहाज कम पड़ गए तो पुतिन ने बैकडोर से ईरान से मदद मांगी थी और तभी से ईरान लगातार रूस को अपने ड्रोन सप्लाई कर रहा है। ये वही ड्रोन्स हैं जिससे रूस की सेना ने यूक्रेन में भीषण हमलों को अंजाम दिया है। हालांकि पुतिन ने इस बात को कभी कबूल नहीं किया कि वो युद्ध में ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब यूक्रेन ने इनमें से कुछ ड्रोन्स को मार गिराया और अपने यहाँ मलबों की जाँच की तो इस बात की तस्दीक हो गई कि ये ड्रोन्स रूस को ईरान ने ही दिए हैं। और अब इन ड्रोन्स को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान को चेतावनी तक दे डाली है। मैक्रों ने कहा कि या तो ईरान पुतिन को अपने ड्रोन्स की सप्लाई बंद कर दे या फिर इसके गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी को दो टूक कह दिया है कि वो यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करना तुरंत बंद कर दे। दरअसल फ्रांस ही नहीं, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका का ये कहना है कि ईरान में बने ड्रोन्स रूस को सप्लाई करना साल 2015 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव का उल्लंघन है जिसमें ईरान परमाणु समझौते को शामिल किया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर अमेरिका का कहना है कि रूस ईरान के साथ अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत कर रहा है जिसके बदले में उसे सैकड़ों ड्रोन मिले हैं और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल वो यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। अमेरिका का ये भी कहना है कि ईरानी ड्रोन्स रूस की पुरानी पड़ी मिसाइलों में जान डाल रहे हैं क्योंकि इससे पहले बुनियादी ढांचों की कमी की वजह से रूस इन्हें यूक्रेन पर दाग नहीं पा रहा था और इसी के चलते यूक्रेन के आबादी वाले इलाकों पर रूसी हमले भी कम हुए थे। लेकिन अब रूस ईरान के सस्ते ड्रोन्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वो दर्जनों ड्रोन्स को एक बार में यूक्रेन के ऊपर हमले के लिए छोड़ देता है जिससे यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म हो सकता है।